Hello students and welcome back to Bankexamstudy.com. my name is Ramandeep Singh students PNBSO credit officer exam is going to be held on 31st of march 31st of march 2024 right abhi next sunday ko exam hai right and today i'm going to discuss how you should allot your time time management kaise hai, and what topics you should study in the last few days to maximize your scores right सो आई विल गिव यू अट ऑफ इंफॉर्मेशन अ बिट ऑफ नॉलेज थोड़ा क्रैक्स दूंगा पाँच छः टॉपिक्स बताऊँगा वो टॉपिक्स पढ़ के जाइए हर बार उसी में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं यू विंड अ लॉर्ड ऑफ टॉपिक्स राइट ये पाँच छः दिन भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप राइट मई नेम इज़ रमनदीप सिंह आई हैव बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टेडे फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व ईयरस एंड दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर यू कैन आसकर डाउट्स सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एग्जाम पैटर्न आई होप यू आर ऑलरेडी अवेर ऑफ दिस There is uh, English language, there is quant reasoning, and then there is professional knowledge, right? Give it a look. So English language, may purchase question, maximum purchase marks, uh, then reasoning purchase question, quantity, aptitude, uh, 50 questions, 50 marks, and professional knowledge, 50 questions and 100 marks. These sections, hai, reasoning, quant, and English, you just need to crack the cutoffs. These won't be considered for final cutoff. क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में आपका जो भी स्कोर आएगा वो फाइनल जो सिलेक्शन होनी है इसके बेसिस पे नहीं होनी फाइनल सिलेक्शन प्रोफेशनल नॉलेज और इंटरव्यू के बेसिस पे होनी है राइट सो वन ट्वेंटी मिनट्स आर देयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स राइट सो दिस इज द आइडियल टाइम अलॉटमेंट नॉट द ऑफिशियल वन सो यू कैन गिव ट्वेंटी मिनट्स टू रीजनिंग ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव

हंड्रेड अगर आप लेते हो तो बहुत ही कंफर्टेबल स्कोर है फाइनल सिलेक्शन लेने का फॉर जनरल कैटेगरी राइट हंड्रेड स्कोर बहुत कंफर्टेबल uh, है लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज की अगर बात कर रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज की अगर आप बात कर रहे हैं इफ़ यू आर एबल टू स्कोर लेट्स से फिफ्टी फिफ्टी आउट ऑफ हंड्रेड तो दैट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल स्कोर बड़ा ही कंफर्टेबल स्कोर है आपका Uh, जो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू की कॉल भी आएगी और सिलेक्शन भी होगी अगर आप 50 मार्क्स अचीव कर लेते हैं प्रोफेशनल नॉलेज में 50 बस इतना चाहिए सो दैट कैन बी अचीव्ड सो इंटरव्यू की uh, जो है पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स राइट सो प्रोफेशनल नॉलेज ही कंसिडर होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए वही लिखा है सिलेबस आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सिलेबस बहुत बार बता चुका हूँ क्रेडिट आपका क्रेडिट है बेसिक क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट डिलीवरी क्रेडिट अप्रेजल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है देर इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशियो एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटरी बॉडीज मनी मार्केट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी डरेवेटिव लेवरेजेस कैपिटल बजटिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन द क्रेडिट अदर जो मोड्यूल हैं उसमें एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड रिटेल लोन्स वगैरह आ जाते हैं एंड देन मैनेजमेंट ऑफ इंपेयर्ड एसेट्स में डॉक्यूमेंटेशन इसमें रजिस्ट्रेशन ड्यूटी एक्ट है स्टैंप ड्यूटी एक्ट लिमिटेशन लॉ है वेरी इंपॉर्टेंट देन आई आर ए सी नॉम्स टाइप्स ऑफ चार्जेस मैनेजमेंट ऑफ इंपेयर्ड एसेट्स आई बी सी एंड सरफाईसी एक्ट मॉड्यूल एफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर बी आई सर्कुलर वैसे मैं तीन साल के बोलता हूँ लेकिन इन द लास्ट फ्यू डेज जस्ट डू वन ला वन ईयर के आर बी आई सर्कुलर कंपनीज एक्ट इज़ देअर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर बी एक्ट नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट तो ये इंपॉर्टेंट है सो इन द लास्ट फ्यू डेज वॉट आई रिकमेंड इज कि आप प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग सबसे पहले पढ़ें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यू कैन एक्सपेक्ट लाइक थ्री टू फाइव क्वेश्चन थ्री टू फाइव क्वेश्चन इन योर एग्जाम डायरेक्टली फ्राम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस में से यू कैन एक्सपेक्ट थ्री टू फाइव क्वेश्चन राइटीआई गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एवरी ईयर देर आर लाइक टेन ट्वेल्व क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई गाइडलाइंस गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेन ट्वेल्व क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से आते ही आते हैं हर बार वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट सरफाइसी आईबीसी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्री क्वेश्चन इसमें से अभी हर साल आते हैं इस साल भी आएंगे आई नॉर्म्स में से हर साल दो तीन क्वेश्चन आते हैं इस साल भी आएंगे के गाइडलाइन में से दो तीन क्वेश्चन आते हैं हर साल इस साल भी आएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से दो तीन क्वेश्चन आते हैं तो इस साल भी आएंगे इफ़ यू हैव टाइम अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आप कर सकते हो सो फर्स्ट वन इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कर सकते हैं

बाकी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी थोड़ा सा ल, लेंदी है तो उतनी अगर आपने नहीं किया तो हो नहीं पाएगा डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक है वो आप करें डॉक्यूमेंटेशन uh, में क्या क्या आता है देर इज टैम्प ड्यूटी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड द लिमिटेशन लॉ लाइक टू थ्री क्वेश्चन इसमें से श्योर शॉर्ट रहते हैं हर बार रेगुलेशन uh, एक्ट में से टू थ्री क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहते हैं और लाइक एक क्वेश्चन इसमें से हर साल आता है यू कैन इसका टोटल लगा सकते हैं टेन एंड ट्वेंटी लाइक थर्टी थर्टी एंड यू कैन डू लाइक फोर्टी सी इजीली यही वाले टॉपिक्स करके यू कैन अचीव लाइक फिफ्टी मार्क्स फोर्टी टू फिफ्टी मार्क्स एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू माइट हैव सम एग्जिस्टिंग नॉलेज बिलीव इट और नॉट सौ में से बीस पच्चीस क्वेश्चन आपको जनरली आते होंगे ऑलरेडी न्यूज़ पेपर अगर अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज से आपको 20-25 मार्क्स अप हो सकते हैं आपके तो यू कैन ईजिली अचीव 60 टू 70 मार्क्स इफ़ यू आर डूइंग दीज टॉपिक्स इन द लास्ट फ्यू डेज आई हैव प्रिपेयर अ प्रॉपर पावर कैप्स्यूल मैंने साढ़े चार सौ क्वेश्चन बनाए हैं इन सारे टॉपिक्स पे एंड दैट कैप्स्यूल इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन पावर कैप्स्यूल आप ले सकते हो इफ यू हैव टाइम यू कैन टेक द फुल कोर्स इवन दैट इज अवेलेबल और इफ़ यू जस्ट नीड द कैप्स्यूल जस्ट गो थ्रू द कैप्सूल दैट वुड हेल्प यू फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट आपको हेल्प करेगा राइट सो दैट्स आई गेस ऑल फोर टूडे प्लीज कैप्सूल को जरूर पढ़ें साढ़े चार सौ क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट hmm. है आज ही अपडेट करें हैं आपने दैट इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ द पावर कैप्स्यूल पहले दो भी आए अभी तीसरा एडिशन है आर वे सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आर ऑल्सो इंक्लूडेड बैंकिंग अवेयरनेस ऑफ अप टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज ऑल्सो इंक्लूडेड लेटेस्ट सारा टॉपिक हमने अपडेट कर दिया हुआ है जैसे इसको गो थ्रू करें एंड ट्रस्ट इस में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे साढ़े चार सौ में से यू कैन एक्सपेक्ट लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम द कैप्स्यूल ओनली और ये कैप्सूल आप एक सिटिंग में ढाई तीन घंटे की चार घंटे की सिटिंग में कम खत्म कर सकते हो और तीन घंटे की सिटिंग में अगर आपको बीस क्वेश्चन मिल रहे हैं अगर दस भी मिल रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट स्टडी मटीरियल दैट यू कैन हैव सो कैप्सूल जरूर पढ़ें लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट ऑल दी स्टूडेंट्स दैट टू का कोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्स एंड दे क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम सो लिंक टू डाउनलोड द कैप्सूल इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक इट थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे बाय बाय